हाय गाइस, दिस इज जेन। यू आर वाचिंग वर्क एट आवर जॉब हेल्पफुल। फ्रेंड्स, ये जो जॉब बनने वाली है, आज की जॉब अच्छी हाई सैलरी वाली जॉब्स, एचआर पोस्ट, एचआर रिक्रूटमेंट की पोस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए है। एज लिमिट रहेगी इसमें 18 से लगाकर 25-30 ईयर्स लास्ट। अगर बंदे को एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, हायरिंग फील्ड में, हायरिंग जो है काम में, उस बंदे को पहले लिया जाएगा। मिनिमम एक्सपीरियंस कंपनी इसमें जो है रिक्वायरमेंट करती है 1 साल के ऊपर में। अगर आपको हायरिंग के काम में एक साल के ऊपर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी इसमें। सैलरी रहती है इसमें 18 से लगाकर 25, 26, 27 तक जो है इसमें सैलरी रहती है। वो सैलरी डिपेंड करती है आपके इंटरव्यू पर। आप एक बार जो फ्रंट टू फ्रंट, फेस टू फेस जो है कंपनी में विजिट करेंगे, वहां पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में जो है आपकी सैलरी फिक्स की जाएगी। आपको कितना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी फिक्स होगी। लैंग्वेज इसमें पर्टिकुलर कन्नडा आना चाहिए, कन्नडा लैंग्वेज, कन्नडा हिंदी, नहीं तो कन्नडा इंग्लिश, नहीं तो कन्नडा जो है एक कौन सी भी जो अदर लैंग्वेज। मतलब चीज ये कहने का है कि लोकल लैंग्वेज इसमें कंपलसरी एक आनी ही चाहिए। इसके साथ में अगर आपको एक दो लैंग्वेज एक्स्ट्रा आती और तो और भी अच्छी बात है। कंपनी है कावेरी इवेंट्स एंड मैनेजमेंट। इसमें आपको सिर्फ सिर्फ मैनेजमेंट का काम रहेगा, एचआर का काम रहेगा। वैसे एचआर का काम क्या रहता है कि कंपनी के पास जो कॉन्टैक्ट आता है, जो लीड्स आती है, उसको फिल करना रहता है। लड़के लोगों को सर्च करके उसके स्किल के अनुसार, उसके काम के अनुसार उसको काम देना रहता है। फॉर एक्स वाई एग्जाम्पल के तौर पर बता दो कि अभी हम लोगों के पास एक लाइक कपड़े का फैक्ट्री का है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग उसको एक्सपीरियंस पूछते हैं, पहले का क्या काम किया वो सब जो पूछते हैं, उसके हिसाब से फिर उसको जॉब देते हैं। तो वही सब एचआर का काम रहता है। उसके पास प्रेजेंट टाइम में, उस कंपनी के पास प्रेजेंट टाइम में कौन से कॉन्ट्रैक्ट आए हुए हैं, किस लेवल से कॉन्ट्रैक्ट आए हुए हैं और उसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है, किस टाइप के, किस प्रकार के बंदे उसमें जरूरत रहती है, किस टाइप के कैंडिडेट्स उसमें रिक्वायरमेंट रहता है, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार उसको, उस कैंडिडेट्स को सर्च करना है। सर्च करके ढूंढ के उसका इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू लेके उसका सैलरी क्या रहेगा, काम क्या रहेगा और लोकेशन क्या रहेगा, उसके बारे में उसको एग्जैक्टली समझाना रहता है। समझा के ट्रेंड करके उसको ट्रेनिंग देके फील्ड में भेजना रहता है या फिर उसको ज्वाइनिंग करवाना रहता है। बस उतना ही काम रहेगा एचआर पोस्ट के लिए। कंपनी इसमें जो है फ्री टाइम में, फ्री टाइम कहने का मतलब है कंपनी के पास वैसे कॉन्ट्रैक्ट जो है काफ़ी सारे आए हुए हैं, फिर भी मान लो अगर वो फ्री हो जाता है हायरिंग से, तो उसको जो है फील्ड विजिट करना रहेगा टाइम टू टाइम, बीच बीच में। फील्ड विजिट का मतलब यह कि जहां उसका कैंडिडेट लगा है, जहां उसका कैंडिडेट काम कर रहा है, उसको जाके उस देखना, क्लाइंट से मिलना, कैंडिडेट्स कैसा सेल कर रहा है, कैंडिडेट्स कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, वो एक्चुअल में वहां पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर क्लाइंट की तरफ से जो है क्या उसको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर क्लाइंट को उसकी तरफ से क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सब जो है उसको एक बार हफ्ते का 1-2 दिन जो है उसको फील्ड में देना रहेगा। टाइमिंग इसमें आके आपको 8 बजे से लगाकर या फिर 9 बजे से लगाकर शाम के 5-6 बजे तक जो है रहता है। एक्चुअल सही बताऊँ तो इसमें टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि ये फील्ड का काम है, एचआर का काम रहता है। उसको कभी जो है रात रात भर तक जो भी लड़के लोगों का कॉल आता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको जो तुरंत जो है काम छोड़ के जो है फील्ड में भी जाना रहता है जहाँ कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं। तो एचआर का काम बोले तो थोड़ा अच्छा हेडेक वाला रहता है, थोड़ा टेंशन वाला रहता है, उसको थोड़ा माइंडली जो है टेंशन रहता है। लेकिन उसकी सैलरी अच्छी खासी रहती है, 18 से लगाकर 25-27 तक इसमें जो है सैलरी आपको देखने को मिलती है, सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स। लैंग्वेज मैंने पहले आपको बता ही दी है, एज क्रिटेरिया मैंने आपको पहले बता ही दिया, एक्चुअल काम क्या रहेगा वो भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया। फिर भी आप रिज्यूम शेयर कीजिए। आप जो रिज्यूम शेयर करने के बाद आपको ऑफिस बुलाया जाएगा, वहाँ आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। आफ्टर इंटरव्यू जो है आपको थोड़ा समझाया जाएगा कंपनी के बारे में कि जो है एक्चुअल काम क्या रहेगा, आपको कहाँ काम, लोगों का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, कितने कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं, उसको कैसे फीडबैक लेना है, तो थोड़ा वो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपकी ज्वाइनिंग होगी। ये जॉब दोस्तों परमानेंट जॉब है, ये कंटिन्यू चलने वाली जॉब है। अगर
कैंडिडेट्स करना चाहेगा तो उसको जो है साल 3 साल 4 साल कंटिन्यू कर सकता है। जैसे जैसे वो जो काम करता जाएगा वैसे वैसे उसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। और ये अच्छा जॉब्स है, हर किसी को ये जॉब्स नहीं मिलता क्योंकि इसमें बहुत रिस्क रहती है, प्लस इसमें जो टेंशन भी रहता है, प्लस इसमें सैलरी भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। तो गाइस जो जो बंदा इंटरेस्टेड है वो बंदा मुझे अपना पहले रिज्यूम शेयर करें और सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही कॉल करें और एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही मुझे अपना रिज्यूम शेयर करें। तो सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए एचआर पोस्ट का वो बंदा मुझे अपना रिज्यूम शेयर करे। शेयर करने के बाद तो जो है मैसेज ड्रॉप करे, आई एम इंटरेस्टेड इन एचआर पोस्ट करके एक मैसेज छोड़े। हम लोग जल्दी ही उसके कॉन्टैक्ट करके ऑफिस बुलाने का कोशिश करते हैं। तो गाइस एक और अच्छा हेल्पफुल जॉब, एक और अच्छा वीडियो। लाइक आने पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना कभी ना भूलें, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों हम हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कुछ अच्छा लेके। तब तक के लिए बाय बाय।